अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस मिलते रहें और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल कुक विद हार्ट में। आज हम बना रहे हैं तुअर दाल, बेसिक तुअर दाल आज हम बना रहे हैं। इसे फीकी तुअर की दाल भी कहते हैं। ये बहुत टेस्टी बनती है और आसानी से भी बन जाती है। बेसिक दाल बनाने के लिए दो कटोरी हमने तुअर की दाल ली है, लगभग 200 ग्राम होगी। देखिए, इसे हमने साफ़ करके और तीन चार पानी से धो के यहाँ पे रखा हुआ है। ये धुली हुई दाल है। यहाँ तेल है, देखिए तेल दाल बनाने के और बघार के दोनों के काम आएगा। ये पानी है, पानी लगभग 1.5 लीटर है, ये दाल बनाने के काम आएगा। पानी हम दाल के हिसाब से यूज़ करेंगे। हमने एक छोटा चम्मच नमक लिया है, नमक हम टेस्ट के हिसाब से यूज़ करेंगे। आधा छोटा चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है, आधा छोटा चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, 4 से 5 हरी मिर्चों का हमने लंबे टुकड़ों में देखे तोड़ लिया है। हींग है, हींग आप कोई सी भी ले सकते हैं। यह मैंने एवरेस्ट की हींग ली है। आधा छोटा चम्मच हमने जीरा लिया है। हमने 3-4 लाल खड़ी मिर्च को हमने छोटे टुकड़ों में, लगभग 1 इंच के टुकड़ों में तोड़ के रखा है। ये 5 हमने लहसुन की बड़ी कली ली है। इतना सामान, ये चारों चीज़ें बघार के काम आएगा। आइए हम बनाना शुरू करते हैं बेसिक तुअर दाल। सबसे पहले हम यहाँ एक कुकर लेंगे। हमने अभी गैस पे कुकर को नहीं रखा है। इस पे हम जो हमने धो के साफ करके दाल रखी है, दाल ऐड कर देंगे। हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। देखिए, लगभग 1/2 लीटर पानी हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे, नमक डाल देंगे। नमक अपन अपने स्वाद के अनुसार इस्तेमाल करेंगे। अब हम हरी मिर्ची जो हमने लंबे टुकड़ों में तोड़ के रखी वो डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे ताकि दाल बाहर नहीं आए कुकर से, उसको हम अच्छे से हिला देंगे। अब हम कुकर को गैस पे रख देंगे, ढक्कन बंद करके। दो सीटी आने तक अब हम इसका वेट करेंगे। गैस ऑन कर दिए हमने, दो सीटी हो चुकी है। अब हम कुकर का प्रेशर निकाल के दाल चेक कर लेते हैं। देखिए, दाल बहुत अच्छी परफेक्टली गल चुकी है। हमको इसको ज़्यादा नहीं गलाना है। देखिए, बहुत अच्छी गली। देखिए, आप नीचे उतार के बघार की तैयारी करते। बघार के लिए हमने एक तड़का पैन लिया है। देखिए, गैस ऑन कर देते हैं। अब हम इसमें ये तेल ऐड कर देंगे, सोयाबीन ऑयल है ये। आप चाहें तो इसकी जगह देसी घी का इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे दाल का टेस्ट और बढ़ जाता है। बाकी मैं ये दाल में देसी घी को पसंद नहीं करते, इसलिए मैं सोयाबीन ऑयल ले रही हूँ। अब हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे। अब बारीक कटा लहसुन हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको लाइट ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। हम लहसुन को, देखिए फ्राई हो चुका है। जब लाल खड़ी मिर्चें जो 1 इंच में हमने तोड़ के रखी थी वो हमने इसमें डाल दी है। अब हम इसका तीखापन तेल में उतर जाए जब तक इसको तलेंगे। अब हम यहाँ हींग इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, मैंने एवरेस्ट की हींग ली है। ये आधा आधा छोटा चम्मच, 2 चुटकी की इतनी हमने इसमें हींग डाल दी है। ये हमारा बघार तैयार है। अब हम इसको दाल में डाल देते। देखिए, दाल बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। इसको भी हम अच्छे से हिला देंगे। आइए अब हम इसे सर्व करते। ये दाल को हमने सर्व कर दिया है। तुअर की बेसिक या फीकी दाल बन के तैयार है। ये बहुत टेस्टी बनती है। आप भी इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।